So guys, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं Vivo के Y17s डिवाइस के अंदर आप जो है कस्टम रिंगटोन सेट कैसे कर सकते हैं। कस्टम मीन्स कि बाय डिफॉल्ट तो आपके फोन के अंदर रिंगटोन आते हुए हैं और फोन का ये तो होता है ना, कंपनीज अपने बाय डिफॉल्ट टोन देती है बना के, तो लेकिन अगर कोई सॉन्ग वगैरह लगाना चाहते हो, कस्टम रिंगटोन बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो। चलो आज की वीडियो में ही सीखने वाले हैं कि रिंगटोन को चेंज कैसे करते हैं। गाइस, फोन के अंदर कस्टम रिंगटोन को लगाने के लिए सबसे पहले ओपन करेंगे हम अपना फोन सेटिंग्स। हमने ऑलरेडी ओपन करा है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना, इसमें देखो नोटिफिकेशन का भी एक सेटिंग्स मिलता है, साउंड एंड वाइब्रेशन का मिलता है। साउंड एंड वाइब्रेशन के सेटिंग पे क्लिक करना है, नोटिफिकेशन वाले में भी आप एक्सेस कर सकते हो नोटिफिकेशन वगैरह को, इस पे आपको प्रेस करना है। यहाँ पर मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन वॉल्यूम, नोटिफिकेशन वॉल्यूम, अलार्म वॉल्यूम, जो से चीजें मिल जाती है, बट यहाँ पर चेंज करेंगे रिंगटोन। नीचे आना है, सिम वन फोन का रिंगटोन है और सिम टू फोन रिंगटोन, तो जिस भी नंबर पे आपके ज्यादा कॉल आते हैं उसको आपको सेटअप करना है। इसके लिए इस पे प्रेस करना एंड इसमें देखेंगे तो आपके पास ये बाय डिफॉल्ट आएगा। ये हिंदी में दिखा रहा है, आई थिंक मे बी शायद फोन हिंदी में यूज हो रहा है, ऐसे कुछ दिखा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ते हैं। फिलहाल कस्टम रिंगटोन पे आपको प्रेस कर देना है। जैसे आप कस्टम रिंगटोन पे प्रेस करते हैं तो आपका जो म्यूजिक वाला ऑडियो म्यूजिक होता है ना, एक बाय डिफॉल्ट म्यूजिक एप्लीकेशन होता है जिससे हम सॉन्ग वगैरह प्ले करते हैं। जनरली अभी तो नहीं करते लोग क्योंकि अब ऑनलाइन ही सब चलता है, बट अगर आपने उसमें पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ उस म्यूजिक को तो वो म्यूजिक आपको दिखाएगा। सिंपली उस म्यूजिक पे ही क्लिक कर देना है, इसके बाद आपके यहाँ कस्टम में सेट हो जाएगा। तो अगर मैं करना चाहूँ तो कस्टम रिंगटोन पे सेट करके उसको इजीली सेट कर सकता हूँ। और कोई सेटिंग्स नहीं है बहुत ज्यादा इसमें, ऐसा नहीं कि नहीं आता। हाँ, बस एक चीज ध्यान रखना, जो भी सॉन्ग डाउनलोड करें कहीं से वो गैलरी में हो और यहाँ पर वो दिखाई देना चाहिए फाइल मैनेजर के अंदर। जब कस्टम रिंगटोन पे क्लिक करेंगे बस उसको बॉक्स को चेक मार कर देना। उसमें और भी ऑप्शन मिलते हैं, आप क्रॉप वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर ये टूल मिलता है तो एक्सेस कर सकते हैं उसको भी।